आदरी इसकी गुत्ती में फैन मार मार, सबर रख, रुक 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 रुक, मुझे सबर रख सबर रख, रीलोड करने दे। तू मेरी बात नहीं मानता हर बारी, तुझे पता नहीं क्या तकलीफ है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, TKD में खुश आमदीद। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए PUBG के इस पखे वाले कंट्रोलर गेम पैड को। अब ना भाई आजकल सीन चला हुआ है, हर बंदा ना इस तरह के कूलिंग पैड यूज़ कर रहा है, कोई पीछे पखे शक्के लगा रहा है ताकि दोस्तों के अंदर थोड़ा उनका स्वैग लेवल ऊपर जाए, थोड़ा वो दिखाएं यार हमारा जो मोबाइल का टेम्परेचर है वो ऊपर नहीं जाता, आपके भाई ने 2000 रुपये का ख़रीदा है। तो इस तरह का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कहा एक आधे की अनबॉक्सिंग करते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या मसले वगैरह होते हैं वो तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इस पर मेरा क्या ओपिनियन है तो वो तो आगे चल के बात करते हैं। बाकी अगर अपने गेम पैड को इसको देखें तो इसका मॉडल है M11 और ये तकरीबन कोई 1000 के राउंड आ जाता है। तो इसका बाय लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप में से किसी ने रिव्यू देख के लेना वगैरह हो तो जाके ले सकते हो। बाकी खैर भाई देखते हैं अपने भाई इस डब्बे को। तो इसका डब्बा बनाया हुआ है, इसके ऊपर वाली साइड पर इसकी पिक्चर बनाई हुई है जिससे बर्फ़ें वाली हवाएं निकल रही हैं, और पीछे बैक साइड के ऊपर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया हुआ है जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूँ। तो इसके डब्बे को भी भाई मैं खोल लेता हूँ, और भाई डब्बा खोलने के बाद सबसे पहले तो मिलती है इसकी क्या कहते हैं इसकी चार्जिंग केबल, जैसे आप इसे चार्ज वगैरह कर सकते हो। तो ये इसका भाई सारा सीन है, बाकी उस और डब्बे में है नहीं। तो आ जाते हैं सीधा अपने इस पखे वाले गेम पैड के ऊपर जिसमें से बर्फानी वाय निकलती हैं। खैर सबसे पहले तो अगर देखें इसके भाई फिज़िकल ओवरव्यू को, डिज़ाइन को, डिज़ाइन डेफिनेटली यार काफ़ी फिट किस्म का बनाया हुआ है, काफ़ी आप कह लो गेमिंग टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी मज़े की इसकी बिल्ड भी बनाई हुई है। तो ऑल ओवर डिज़ाइन और बिल्ड वाइज तो मुझे काफ़ी पसंद आया है इसका, आप कह लो जो बिल्ड का प्लास्टिक है वो काफ़ी फाइन किस्म का यूज़ किया हुआ है, तो बिल्ड वाइज ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। और इसकी अगर फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो सेंटर के हमें अंदर जो है इसका पंखा वो मिल जाता है जिसकी डिटेल्स मैं आगे चल के बताता हूँ। बाकी उसके अलावा साइड्स के ऊपर जो हमें इसकी जो आप कह लो रबर की एक जो प्रोटेक्शन है वो मिल जाती है जिससे आपके मोबाइल फ़ोन को स्क्रैचेस वगैरह नहीं रहते और आपका मोबाइल ग्रिप में रहता है। उसके अलावा आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, और आपका तकरीबन कोई 6.5 इंचेस तक जो मोबाइल का साइज़ होता है वो इसके अंदर आराम से अटैच हो जाता है, ये इस तरह लंबा खिंच भी जाता है, तो आप 6.5 इंचेस तक मैक्सिमम मोबाइल लगा सकते हो। तो ये इसकी कुछ आप कह लो एडजस्टमेंट वगैरह हो गई। बाकी अगर ऊपर वाली साइड को देखें तो वहाँ पे इसके अंदर चार जो ट्रिगर्स हैं उनको ऐड किया हुआ है। बाकी इस तरह के और भी वेरिएंट्स आते हैं जिनके अंदर हमें दो मिल जाती हैं और इसके अंदर चार की ऑप्शन दी हुई है, और इसके जो ट्रिगर्स हैं इसके अंदर हमें रबड़ की जो टिप्स हैं वो मिल जाती है जिससे आपका जो फायर वगैरह यहाँ पर स्कोप वगैरह यहाँ पर आपने जो भी परफॉर्म करना है वो इससे आपका जो स्क्रीन है उसके ऊपर रजिस्टर होता है। तो ये इसका भाई सारा सीन वगैरह है। बाकी अगर इसकी पीछे वाली साइड को देखें तो वहाँ पर इसके पंखे का आउटलेट है, और वहीं पर इसके जो ट्रिगर्स के बटन है जो कि हम फिंगर्स से दबाएंगे वो ऐड किए हुए हैं, और साथ में किसका लैच मिल जाता है जिससे आप इसे कहीं पर भी रख सकते हो। अगर शोखी शूखी मारनी है दोस्तों के सामने जी आपका भाई इस्तेमाल करता है तो उस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भाई इसका कुछ फिज़िकल और व्यू हो गया है। बाकी अगर आ जाए इसके भाई मेन चीज़ यानी कि इसके पखे के ऊपर, तो भाई पखा इसका बस एवरेज है, मैंने इसे इस्तेमाल करके देखा है, मसा मसा आप कह लो कि मसा मसा अगर समझना है तो मेरे कहने का मतलब कम से कम कोई एक आधे डिग्री का फ़र्क पड़ता है, इसकी हवा आप कह लो हाथ रख के भी महसूस नहीं होती, तो मेरे अंदाजे से तो ये किसी काम का नहीं है। एक आधे डिग्री भी इसने क्या कम करना, आइडियल कंडीशन होती है कोई AC में बैठा होता है तो उस पर डिफरेंटली ये करेगा, तो इसका कोई मेरे ख्याल से कोई सेंस बनती नहीं है। तो पखे वाइज तो ये बिल्कुल फारग है, एक तरह से शो बनाई हुई है, इसके अंदर हल्की सी मोटर लगाई हुई है, और उसके अलावा इसकी बैटरी का बड़ा रोल है, बैटरी 2 दिन के बाद ख़राब हो जाती है, मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है बैटरी इसकी फारग हो गई है। और मैं यही कहूँगा अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो भाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह के किसी भी आप गेम पैड को ना लो, उनकी बैटरियों का इशू आता है काफ़ी टाइम से वो पड़ी होती हैं, और चाइना से क्योंकि आना होता है तकरीबन 40 दिन चाइना से आने में लग जाते हैं, तो उतने टाइम में बैटरी वैसे इनकी सोस हो जाती है, तो इनको लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी पंखा इसका बस अल्लाह तवक्कुल ही चलता है, तो इसका जो मेन आप कह लो फंक्शन है वो तो काम करता नहीं है, तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड। और कहीं से अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हो तो दुकान वाले को कह देना भाई कि इसकी बैटरी अगर चलना बंद हो गई महीने के अंदर अंदर तो मैं वापस करा दूंगा, और फॉर श्योर आप लोगों की बैटरी ख़राब होगी ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो ये तो भाई हो गया इनका सारा सीन, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को गेम प्ले वैसे ही दिखा दिया होगा। तो ऑल ओवर मेरे ओपिनियन की बात करें तो भाई पक्का हो या ना हो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ पे आज तक कोई ट्रिगर चला नहीं है, मैंने कोई 50-60 इस्तेमाल करके देख रहे जिनमें भी गेम पैड वगैरह भी शामिल है, तो मुझे आज तक कोई समझ में नहीं आया। तो ये भाई मेरा इसके ऊपर फाइनल ओपिनियन है, बाकी मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप में से ज़्यादा शौक है किसी को इस्तेमाल करके देखने का तो जाके परचेज़ कर लो, 7 दिन का रिटर्न टाइम होता है, आराम से रिटर्न भी कर देना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये भाई सारा सीन है।
बाकी आप लोगों ने अगर कुछ और पूछना वगैरह भी है तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।